राधिका हमारे चैनल में। आज हम एलनाबाद हलके के निर्वाण गांव हैं, वहां पर मौजूद हैं। तो यहां पर जो कुछ बुजुर्ग थे वो यहां पर एक है पीपल का वृक्ष है उसके नीचे बैठे थे, तो उनसे बातचीत करते हैं कि वो एलनाबाद विधानसभा में कैसा नेता है वो चाहते हैं, कैसा विधायक उनको चाहिए। तो वही पिछले 10 सालों की बात की जाए तो उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 सालों में यहाँ पर कितना विकास हुआ है और कितना नहीं। मैं तो जी के कहना चाहूँ उपचुनाव में बिल्लू को ही कहना चाहूँ, आज भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो किसानों की थेसी है। और जो कई नेता ऐसे बोल रहे भी इसने बिल्लू ने क्यों दिया इस्तीफा, तो इसने इसलिए इस्तीफा दिया कि भाई मान मेरे पीछे कांग्रेस के और जो निर्दलीय लोग हैं वो भी इस्तीफा देंगे तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा, तो दबाव बढ़ेगा तो सरकार किसानों की बात मानेगी, इसलिए इसने इस्तीफा दिया है। और इसके ऊपर लंच लगा रखे हैं, इसने क्यों इलेक्शन लड़ा और किस लिए लड़ा और क्यों लड़ा। तो यहाँ विकास का काम इनोले की सरकार में पहले भी काफ़ी हुआ है और इस सरकार में तो कोई गली गाली बनी है, कोई नया काम नहीं हुआ, कोई खाले गाक नहर गाक कोई और चीज़ गाक कोई नौकरियों गाक। तो इस सरकार में महंगाई की त्रास त्रास है, 100 रुपये डीजल हो रहे हैं, किसान कैसे खेती करे बताओ। अब डीजल की और इसकी तो इसको चिंता नहीं है, LPG गैस बता दी मोदी ने, और इसको ये सरसों का तेल है ये किसानों की नाप दे, इस पर वो लिमिट घटा दी है, वो क्या होता है वहाँ विदेशों में वो घटा दी है। तो इसको सरसों के तेल की तो चिंता होगी और इसको डीजल पेट्रोल की चिंता ही नहीं हुई। कोई ब्याह शादी है, कोई कांड मोकांड गरीब आदमी जा रहा है, कोई सब्जी बेचने जा रहा है, वो सब डिफेक्ट है, जो सब महंगाई की मार है वो डीजल पेट्रोल पर पड़ती है। अब देख लो इस सरकार का कारनामा, कहीं कहीं तो मान लो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाते हैं, कहीं लठ डंडों से पीट। 10 सालों में आपके गांव की विकास कार्यों की बात की जाए तो कितने विकास कार्य हैं आपके गांव में आज तक? खासकर यदिया एक टेल इंटा की दूसरी ईंट है क्या, दूसरी आई ईंटा की गली बनाए आई पाड़ पुड़ के पुरानी ईंट दोबारा लगा दिए, कोई विकास को नहीं, बोई पैसा हजम कर दिया है, इनके विकास है जी बताओ। और कोई हमारे गाँव में कोई मकान बनया नहीं, कोई स्कूल का कमरा बनया नहीं, कोई वाटर टैंक बनया नहीं इसकी सरकार में, तो कोई नया काम तो है नहीं। तो अभी जैसे कि अभय सिंह चौटाला जी हैं उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो आप उनसे क्या मांगे रखते हैं? ये मांगा रखा जी विधानसभा में मारो एक ही हल्का हो वो नुमाइंदो एक कम हो गया तो मैं दोबारा चुन के भेजा, तो हमारा मल्ले आगे पर्सन सवाल है वो यही उठा, खट्टर तो उठा नहीं रहा, सरकार से हमें किसानों को कोई उम्मीद नहीं है, फिर क्या करें, फिर इसको भेजेंगे। अब एलनाबाद उपचुनाव हो रहा है जी, अच्छा है जी, हमारे गांव में माहौल बहुत बढ़िया है जी, भाईचारा बहुत ठीक है, आपकी आत्मा से वोट है, जो दे उसको दे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ, ऐसी है जी टक्कर तो जी पवन बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला की टक्कर है जी। एलनाबाद में उपचुनाव है, ये एक किसानी का चुनाव है, न कि पार्टी वाइज गए और है, किसानों के लिए अभय सिंह ने किसानों की मांग पे त्याग पत्र देकर जो अन्य MLA थे जो अन्य विधायक थे वो किसानों के बीच में जाके बोलते थे कि भाई हम अगर किसान कह देंगे तो हम आज ही रिजाइन दे देंगे, तो अभय सिंह जी को एक बार ही किसानों ने बोला और एलनाबाद हलका की जनता ने भी विधायक जी को बोला कि भाई चौधरी देवीलाल ने जब प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया तो ये विधायक क्या चीज़ है, तो इन्होंने एक कांग्रेस निर्दलीय और जो JJP है उनके जो विधायक है उनके एक मुंह पे इतना ज़बरदस्त तमाचा मारा कि दोबारा ये जो लोग हैं ना जो ढोंगी लोग हैं जो मेले बन गए लोगों को भुला फुसला कर जो इन्होंने वोट लेके MLA बने ये नुमाइंदे बने जनता के तो इनको घर बिठा दिया। अब ये कह रहे हैं कि अभय सिंह को क्या जरूरत थी इस्तीफा देने की, MLA की सरकार को इतना नुकसान करवा दिया इन्होंने, सरकार को तो क्या करवा दिया, किसानों को इतना नुकसान करवा दिया इन लोगों ने ना इस्तीफा दे के। भाई अभय सिंह का साथ देते तो आज ये हरियाणा में सरकार नहीं होती और हरियाणा में सरकार नहीं होती तो फिर सेंटर में भी इसका झटका लगता, तो ये सब लोग हैं ना कानून के पक्ष हैं, ढोंगी भाषणबाजी करके ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अभय सिंह जैसा सत्य और सच्चा इंसान मेरे ख्याल में इस असेंबली में नहीं है, तो ये भारत के अंदर भी एक रिकॉर्ड है और हमारे एलनाबाद हलके के जो हमने ऐसा विधायक चुना जो हमारा ऑल वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन किया है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी लगातार ये बयानबाजी आ रही है कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देते वक्त ये बात कही थी कि जब तक कृषि कानून है वो रद्द नहीं हो जाते
नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बारी बारी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि भाई अगर मैं इस्तीफा, आप कह रहे हो भी आप इस्तीफा दो, मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं इस्तीफे की शुरुआत करता हूँ, फिर देखते हैं जो लोग ये जैसे जोगीराम स्याग है, देवेंद्र बबली है, नारनौद वाला दादा है, जो ये तो सारे बिके हुए माल है। इन्होंने तो कभी ये सोचा ही भी नहीं भी अभय सिंह ऐसा कर सकते है। तो अभय सिंह ने इनको ऐसा करारा जवाब दिया है और इन्होंने यही बोला था भाई मैं आप जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इन्होंने त्याग पत्र दे गए, इन्होंने तो अपनी मौज मस्ती करवा ली वहाँ विधानसभा के अंदर। क्यों, बोलने वाला विधायक सिर्फ आल हरियाणा के अंदर है तो अभय सिंह ही है, तो इनके बगैर विधानसभा भी सुननी है और जो विपक्ष है वो विपक्ष की तरफ जाके दोनों इकट्ठे होके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ना कोई कांग्रेस का नुमाइंदा ऐसा जमींदारों के बारे में सोच रहा, ना ही कांग्रेस का सोच रहा। अरे ये कह रहे थे हम आपके अपने दुख दर्द में, ब्याह शादी में, हर पल हम आपके साथ रहेंगे। ये कहता है जहाँ एलनाबाद के लोगों को ये भ्रमित कर रहा है भाई आप अमेले के साथ चाय पीना पसंद करोगे। अमेले तो बनोगे जब करोगे ना लोगों के साथ चाय पीने का साझा, तो ये तो भ्रमित करने वाले हैं। ये विधायक जो ये लेके आए हैं जो कैंडिडेट है, ये दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। इनमें एक ही कैंडिडेट अभय सिंह की तो जुत्ती का मुकाबला नहीं कर पाएगा।